हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स मेरा नाम है अजय और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ जी एस वे रेटिंग ब्लेट्स पैरामीटर्स जैसे आप सबको पता है जी आई एस में एक पूरा कंप्लीट यूनिट को कहा जाता है बे जैसे करंट ट्रांसफॉर्मर अर्थिंग स्विच डिस्कनेक्टर सारों को मिला के जो एक कम्प्लीट यूनिट बनता है उसका कहा जाता है बे उस बे को बनाने के लिए कौन से कौन से फैक्टर्स कंसिडर किया जाते हैं तो वो सारे फैक्टर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो जैसे कि आप इंडेक्स में देख सकते हैं ये सारा लिस्ट है एक वन बाय वन सारा पैरामीटर्स हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले सो so, मैंने एक बे रेटिंग प्लेट का एक एग्ज़ाम्पल लिया है ए टू के वी का एक बे रेटिंग प्लेट है इसमें जितना भी सारा आप पैरामीटर्स देख पा रहे हैं इस सारा पैरामीटर्स को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा सो फर्स्ट टॉपिक है अपना रेटेड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज क्या होता है इस रेटिंग प्लेट के लिए टू फोर्टी फाइव के वी रेटेड वोल्टेज है रेटेड वोल्टेज इज नथिंग बट वोल्टेज विच इज गोइंग टू फ्लो थ्रो द सिस्टम कंटिन्यूअसली इन अ नॉर्मल वर्किंग कंडीशन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जो कंटीन्यूसली फ्लो करने के लिए अलाव है इतना वोल्टेज अलाव कर, कर रहे हैं टू फोर्टी फाइव के वी तो देन uh, रेटेड वोल्टेज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज फॉर विच द इक्विपमेंट इज डिजाइन ए मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज है जिसके लिए इक्विपमेंट डिजाइन किया है मैक्सिमम वोल्टेज के लिए कंटिन्यू फ्लो होने के लिए सो नेक्स्ट क्या है रेटेड लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज वेन एवर रेनी सीजन में लाइटनिंग होता है और लाइटनिंग अपना सिस्टम पे गिर गया तो 1050 थाउजेंड किलो वोल्ट पीक तक अपना सिस्टम को कुछ नहीं होगा इतना तक वोल्टेज जनरेट हो गया पर पर्टिकुलर इंस्टेंट्स और ये क्लियर करने चाहता हूँ मैं कि ये टाइप टेस्ट पैरामीटर है टाइप टेस्ट के दरमियान इसको टेस्ट किया जाता है परफॉर्म किया जाता है ये रूटीन में हम टेस्ट नहीं करते नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेटेड पावर फ्रिक्वेंसी विस्टैंड वोल्टेज रेटेड पावर फ्रिक्वेंसी विस्टैंड वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन अ ड्यूरिंग रूटीन टेस्ट फॉर सिक्सटी सेकंड और इट कैन बी जनरेटेड ड्यू टू फेज टू अर्थफॉल लोड और लोड रिजेक्शन ए डी सी ये अपना टाइप टेस्ट पैरामीटर है इसमें ईच एंड एवरी जैसे जी आई एस का जो यूनिट्स रहते हैं उसको हम इतना वोल्टेज अप्लाई करके रूटीन में टेस्ट करते हैं सिक्सटी सेकेंड तक इतना वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं और इसका इंसुलेशन स्ट्रेंथ इससे हम मेजर मतलब देखते हैं कि ये टेस्ट पास होता है या नहीं मतलब ये इतना तक वोल्टेज सस्टेन कर पाता है या नहीं और यही वोल्टेज फेस टू अर्थ फॉल्ट या लोड रिजेक्शन फॉल्ट में भी जनरेट हो सकता है सो so, अपना सिस्टम को कुछ नहीं होना चाहिए 60 सेकंड तक इसको इसे अप्लाई करते हैं ओके देन रेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है वे वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ साइकिल सो अवर स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी

करंट इसमें से फ्लो हुआ तीन सेकंड तक लेकिन अपना सिस्टम बर्न नहीं होगा जलेगा नहीं कुछ नहीं होगा सस्टेन कर लेगा अपना कंडक्टर सिस्टम इसे सस्टेन कर लेगा तीन सेकंड तक ओके द नेक्स्ट है अपना रेटेड ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट इसमें रेटेड ड्यूरेशन मतलब टाइम दिया है कितना टाइम तक अपना सिस्टम में ये रेटेड ये अपना टाइप टेस्ट पैरामीटर है इसमें तीन सेकंड तक अपन अप्लाई करते हैं इतना शॉर्ट सर्किट करेंट ड्यूरिंग टाइप टेस्ट तो तीन सेकंड तक अपने सिस्टम को कुछ नहीं होना चाहिए इतना हम गारंटी देते सिस्टम का और ये रेटिंग प्लेट पे मेंशन भी रहता है पैरामीटर कस्टमर के लिए कि देखिए तीन सेकंड तक अपना सिस्टम को कुछ नहीं होने वाला नेक्स्ट है अपना रेटेड नॉर्मल करंट क्या होता है दिस इज नथिंग बट अ एक्चुअल करंट विच इज़ गोइंग टू फ्लो दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट जैसे अपन ने पी, पीछे देखा कि एक वोल्टेज था रेटेड नॉर्मल वोल्टेज था सिस्टम जिसे वोल्टेज कहा जाता है ये है अपना एक्चुअल करंट जो करंट का डिमांड है उस हिसाब से चेंज होता है जैसे कस्टमर का डिमांड दिस इज नथिंग बट एक्चुअल करंट विच इज गोइंग टू फ्लो दिस पर्टिकुलर बे पर्टिकुलर बे से इतना करंट फ्लो होने वाला है इसे डिवाइड किया जाता है दो दो पार्ट्स में लाइन करंट एंड बस बार करंट लाइन करंट जो कि इस रेटिंग प्लेट पर्टिकुलर रेटिंग प्लेट पे दिया है 1250 सौ और बस बार करंट

जीरो करंट रिस्पेक्टिवली कर देते हैं ओपन हो जाते हैं वाइल पोल क्लियर वाइल वन पोल क्लियर फर्स्ट तो अदर टू पोल्स कंटिन्यूस कैरिंग करंट जब ये तीनों ओपन होते रहते थे, इससे पह, सबसे पहले एक पोल क्लियर करता है ओपन हो जाता है और दो ऐसी कंडीशन आती है जब दो कंडक्टर अपने दो फेज अपने करंट कैरी करते रहते तो उस कंडीशन में वो इंस्टेंट पे जो वन सिंगल पोल के अगेंस्ट में जो ओपन हुआ है पहला अपना जो पोल ओपन हुआ है उसके अगेंस्ट में जो वोल्टेज जनरेट होता है वो दैट ओवर वोल्टेज कैन बी एक्सेप्टेड अप टू 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फेज वोल्टेज 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फेज वोल्टेज नॉर्मल फेज वोल्टेज के वन टाइम्स उसको एक्सेप्ट करते हैं अपन टेस्ट करते हैं उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा ड्यूरिंग दैट कंडीशन दैट इज नथिंग बट अ फर्स्ट पैरामीटर so, a a, का ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर देन रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी क्या होता है रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी प्रोग्राम है ये अपना जब ब्रेकर होल्टी कंडीशन में ऑटोमेटिकली जो ऑपरेशन करता है तो उसका सिक्वेंस कैसे होता है ये देखते हैं अपन रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी इज नथिंग बट ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन फॉर पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना सर्किट ब्रेकर के जो ऑपरेशन हो रहे हैं तो वो ये इंडिकेट करता है जैसे इसमें दिया है फर्स्ट जैसे आप देख सकते ओ दिया है मीन्स ओपन सबसे जैसे ही एज सुन एज द फॉल्ट ऑकर्स होता है अपना सर्किट ब्रेकर इमिडिएटली ओपन हो जाता है ओपन होने के बाद पॉइंट थ्री सेकंड ये जो 0.3 सेकंड दिया है 0.3 सेकंड वेट करेगा अपना सर्किट ब्रेकर देन अगेन ऑटोमेटिकली क्लोज की कमांड जाएगी सर्किट ब्रेकर को अगर फॉल्ट क्लियर हो जाता है इतना 0.3 सेकंड में तो वो क्लोज ही रहेगा लेकिन फॉल्टीकरण स्टीम स्टिल फ्लोइंग थ्रू आवर सिस्टम मतलब अभी भी फ्लो हो रहा है तो इमीडिएटली अपना सर्किट ब्रेकर ओपन की कमांड ले लेगा क्लोज के बाद और ओपन हो जाएगा इमिडिएटली ओपन हो जाएगा फिर और थ्री थ्री मिनट तक देन तीन मिनट तक वो वेट करेगा अगेन एक क्लोज की कमांड जाएगी और फिर भी आपका फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इमिडियटली ओपन हो जाएगा उसके बाद आपका ब्रेकर ऑटोमेटिकली कोई भी क्लोज की कमांड नहीं लेगा अगर उसको क्लोज की कमांड सेंड करना है तो वो मैन्यली करना पड़ेगा सो तो ये एक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकल ऑटोमेटिक साइकिल है एक प्रोग्राम ही है जो सेट करके रखा है ऑपरेशन सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन के लिए इन अ फॉल्टी कंडीशन इसे कहते हैं रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी होपफुली आपको एक काफी काम में आएगा बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी इसके बारे में देन कंट्रोल वोल्टेज क्या होता है दिस इज सेकेंडरी वोल्टेज विच इज़ यूज टू ऑपरेट अवर ड्राइव मैकेनिज्म एंड अदर सेकेंडरी कंपोनेंट इट इज़ जनरली इन डी सी जो आपको पता है कि अपना कंट्रोल वोल्टेज जनरली डी सी में रहता है और सारे जो ड्राइव्स और सेकेंडरी पार्ट्स है ये सारे इस कंट्रोल वोल्टेज पे डीसी पे चलते हैं देन ऑक्जेलरी सप्लाई वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे दिया ये 400 और 230 थर्टी वी ए ओल्ड ए दिया है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हीटर सर्किट और कंट्रोल पैनल और कंट्रोल पैनल इट इज जनरली इन ए और इन अदर वर्ड ए सी सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंडरी सर्किट इज नथिंग बट्जलरी सप्लाई वोल्टेज So, अपने को पता है कि एसी सप्लाई किस चीज़ के लिए लगता है जीआईएस में कुछ हीटिंग हीटर्स दिए रहते हैं हीटर के लिए अलग से एसी सप्लाई देना पड़ता है प्लस एल पैनल्स में जैसे कोई जैसे लाइट रहता है या डोअर स्विच रहता है लाइट हो गया डोअर स्विच हो गया हीटर हो गया और एक सॉकेट भी दिया रहता है सपोज कोई इंजीनियर उसमें काम करने वाला है उसको चार्जर वगैरह चार्ज करना है तो उसके लिए एक सॉकेट भी दिया रहता है ये सारी चीजें ए पे वर्क करती है इसीलिए ए सप्लाई रिक्वायर्ड होता है उसे ऑक्सिलरी सप्लाई सप्लाई वोल्टेज भी कहते हैं वेट ऑफ एस एफ सिक्स इन के जी दिस इज नथिंग बट अ टोटल वेट ऑफ एस एफ सिक्स विच इज गोइंग टू यूज इन दैट पर्टिकुलर बे ये पूरा टोटल एस एफ सिक्स का वेट है वो भी मैंशन रहता है अपना रेटिंग प्लेट पे देन टोटल जी आई एस वेट इंक्लूडिंग ऑफ एस एफ सिक्स गैस जी आई एस का टोटल वेट मीन्स मॉड्यूल्स का वेट प्लस उसके अंदर जो गैस भरा रहेगा उसका वेट इंक्लूडिंग ये भी मैंशन रहता है अपना रेटिंग प्लेट पे एम्बियन टेम्परेचर क्या रहता है अप टू दिस मच टेम्परेचर आवर सिस्टम वर्क विदाउट फेल्यूर ये है सराउंडिंग सराउंडिंग का टेम्परेचर जहाँ भी अपना बे माउंट होगा इंस्टॉल होगा उसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर रहेगा उसका भी रेंज रेटिंग प्लेट पे मेंशन रहता है उतना रेंज में टेम्परेचर कितना भी चेंज हुआ तो अपना सिस्टम सिस्टम uh, को कोई फर्क नहीं पड़ेगा देन स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड हम रेफर करते हैं दिस इज रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जी एस आई सी सिक्स ये आई के हिसाब से अपना जी एस किया रहता है और यस थैंक यू वेरी मच मैं और एक एल पे अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ तो जिन्होंने भी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय